हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफ अजय के बारे में कुछ फैक्ट्स। मलाला का जन्म पाकिस्तान के स्वात जिले में हुआ था। यह क्षेत्र तालिबान के शासन में आ गया, जहां तालिबान महिलाओं और लड़कियों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम लागू करता था और लड़कियों के उसको जाने या किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। फैक्ट 2, 2013 को मलाला ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक भाषण दिया था। तब यह 16 साल की एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी। अपने भाषण में मलाला ने विश्व स्तर पर महिलाओं की शिक्षा तक पहुंचने की जरूरत की बात कही थी। साथ ही विश्व नेताओं को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए कहा था। फैक्ट 3, मलाला यूसुफ अजय 17 साल की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला है और 12 जुलाई के दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फैक्ट 4, 2012 में मलाला पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रचार कर रही एक बस में सवार थी, जब तालिबान ने कथित तौर पर वाहन को हाईजैक कर लिया था और मलाला के सिर और गर्दन पर गोली मारती थी और इस घटना के बाद वह बाद में इलाज के लिए इंग्लैंड चली गई। फैक्ट 5, बाद में मलाला ने अपने पिता के साथ मिलकर मलाला फंड की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने $7 मिलियन से अधिक रुपए जुटाए और इन पैसों से उन्होंने पाकिस्तान में कई स्कूल खुलवाए। मलाला ने महारानी एलिजाबेथ और बराक ओबामा के साथ दर्शकों को आकर्षित किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया।